तरह का रूम इस तरह की एमिनिटीज के साथ अगर आप किसी होटल में लेते हैं तो आप खुद सोचिए, कैलकुलेट कीजिए कितना बजट में आपको मिलेगा। सियार दिख गया हमें ये, लेकिन हमें देख के भाग गया वो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। आज हम देखिए, आपको पता चल गया होगा कहाँ खड़े हैं हम, आए हैं जिम कॉर्बेट। हमने आपको बहुत सारा स्नोफॉल दिखा दिया है, लेकिन हर कोई स्नोफॉल में जाना पसंद तो सभी करते हैं, लेकिन फिजिबल नहीं होता है सबके लिए। कुछ लोग इस तरह का एनवायरनमेंट चाहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड ना हो, तो आई थिंक जिम कॉर्बेट भी आपके वेकेशंस के लिए एक अच्छा प्लेस हो सकता है। यहाँ पर साइटिंग होना, लेपर्ड साइटिंग होना ना होना, ये आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो बोनस पॉइंट है। लेकिन इस नेचर में रहकर आप रिलैक्स तो कर ही सकते हैं। आज आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस हम दिखाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको झरना रेंज के बारे में बताएंगे। ढेला गेट आप देख रहे हैं, यहाँ से सफारी शुरू होती है और हमने कुछ जानकारियाँ ली हैं जनरली, तो क्योंकि हमने फ़ोन पर भी पूछा था, वैसे ही हमें भी चार्जेस बताए गए थे 6,000 रुपये में जो सफारी के चार्जेस होते हैं 6 लोगों के लिए। अगर आप ऑनलाइन बुक करके आते हैं तो वहाँ पर आपको 1,000 रुपीज़ में पहले परमिट लेना पड़ता है, 2,800 रुपीज़ आपको गाड़ी के चार्ज देने पड़ते हैं और साथ में 800 रुपीज़ फ़ी लगती है गाइड की। तो टोटल ओवरऑल आपको 4,800 में ये पैकेज मिलता है अगर आप ऑनलाइन बुक कराते हैं। लेकिन प्राइवेट अगर आप बुक करते हैं तो लगभग 6,000 रुपये आपको पे करने पड़ते हैं। हम पहले भी कई बार जिम कॉर्बेट आए हैं, लेकिन हर बार हम एक डिफरेंट एरिया में जाते हैं। इस बार हम ढेला की तरफ आए हैं, अभी सिर्फ हमारा ढिकाला रह गया है, तो नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे वहाँ पर जाएं। तो चलिए, आप सफारी तो कर ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको रहने के ऑप्शंस भी चाहिए होंगे। हम आज आपको एक बहुत ही फ्रेश ऑप्शन दिखा रहे हैं, जिसमें रहकर देखेंगे आप जब, तो आपको फील ऐसा लगेगा देखने पर कि आप किसी होटल में रह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये होम स्टे है, बजट भी होम स्टे का है और पर्सनल जो टच आपको दिया जाता है वो भी होम स्टे का है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे रिजॉर्ट हमने रास्ते में देखे हैं, मेन होता है आपका एक्सपीरियंस और आपका फील। तो वो फील कैसा मिलता है आपको, चलिए बताते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। हमें देखिए थोड़ा सा पानी भी मिल गया है। जनरली ज़्यादातर जो जानवर होते हैं वो ऐसी जगहों पर ही आते हैं, और लास्ट टाइम जब हमें एक लेपर्ड सुबह मिला था ना, वो ऐसी नदी में थोड़ा सा पानी था और उसके पास ही बैठा हुआ था वो। तो यहाँ पर बैठकर अगर हम वेट करें तो शायद कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जय हो, हमारी वाइल्ड लाइफ शुरू हो गई है। देखो कॉर्बेट आते ही इसके, आई विश कि हमारे पास कुछ होता, हम इसको कुछ खिलाते। तो भैया आपके पास नहीं है कुछ? ये इनके पालतू हैं, यहाँ पे हमें दूर से दिख गए थे तो हमें लगा कि हमें एलिफेंट दिख गया, देखो वाइल्ड लाइफ, लेकिन ये पालतू है। ऐसे भी दिख जाते हैं क्योंकि इन्होंने फेंसिंग की हुई है, वहाँ पीछे बता रहे हैं पूरा सब लेपर्ड वेपर्ड सब आते हैं यहाँ पे। तो हम ढेला गेट से आ गए हैं लगभग 5-6 किलोमीटर्स आगे, और यहाँ पर हम ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन पर आ गए हैं, वाइल्ड पेंजियोनी रिजॉर्ट द होम स्टे। नाम सुनकर आपको पहली बार में ऐसा लगेगा कुछ अलग सा नाम है, ये मैंने गूगल भी किया था जब मैंने भी पहली बार नाम सुना था। सो दिस इज़ एन इटालियन वर्ड जिसका मतलब होता है एक छोटा प्लेस रहने के लिए। तो बेसिकली जैसे आप देखेंगे रिजॉर्ट भी लिखा हुआ है और होम स्टे भी लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर दोनों फील मिलने वाले हैं। तो देखिए ये है वाइल्ड पेंजियोनी, अभी तक तो जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल लुक मिलता है, क्योंकि चारों तरफ ये जिस तरह से आप बड़े बड़े पेड़ देख रहे हैं,
ये आम के बाग हैं और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, अभी काम चल रहा है क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश प्रॉपर्टी है और यहाँ पर हम पहले गेस्ट हैं। यहाँ आइए अंदर चलते हैं। हाँ यहाँ देखिए अंदर आकर, बाहर से हम अंदर आए हैं अभी तो टेम्परेचर में एकदम से फ़र्क आ गया है क्योंकि पेड़ों से हमेशा जैसा कि टेम्परेचर में फ़र्क पड़ता है और यहाँ तो पूरे बाग हैं तो इसीलिए समर्स में भी आपको इसका फ़ायदा मिलता है। ठंडी ठंडी हवा आपको यहाँ मिलेगी, फ्रेश एयर मिलेगी। इस तरह से पूरा ये कंस्ट्रक्ट किया गया है। यहाँ पर 3 रूम नीचे आपको मिलते हैं और 3 रूम्स इन्होंने ऊपर बनाए हुए हैं। चलिए अपना रूम दिखाते हैं आपको। अब आप कहेंगे वाओ, देखिए होम स्टे में जनरली इस तरह के ब्यूटीफुल रूम्स हमें नहीं मिलते हैं। ये बिल्कुल एक होटल वाला लुक मुझे मिल रहा है। हर चीज़ मुझे बहुत ही प्रीमियम क्लास लग रही है यहाँ पर और सारी ज़रूरत की चीज़ें आपको मिलेंगी। प्रॉपर सिटिंग है, बहुत ब्यूटीफुल बेडिंग है, लाइट्स, वार्डरोब, टीवी, फुल लेंथ मिरर और बहुत ही ब्यूटीफुल वॉशरूम। देखिए हमारे बेड से हमें गार्डन व्यू मिलेगा यहाँ पर और ऊपर वाले रूम से मैं आपको व्यू दिखाऊंगी ज़रूर। अभी सर्दियों में इन्होंने हीटर दिया हुआ है क्योंकि ठंड लगेगी तो आप हीटर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए आपने पूरा रूम देख लिया है। इस तरह का रूम इस तरह की एमिनिटीज़ के साथ अगर आप किसी होटल में लेते हैं तो आप खुद सोचिए, कैलकुलेट कीजिए कितना बजट में आपको मिलेगा। मेरे हिसाब से मुझे लगता है इजीली 8 to 10,000 के बजट में आपको इस तरह का रूम मिलता है। बट इस रूम का आप जब बजट सुनेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊँगी, तब तक आप कैलकुलेट कीजिए। हम तब तक लंच करते हैं। चलिए लंच का टाइम हो गया है, भूख लगी हुई है बहुत ज़ोर से, तो खाना खा लेते हैं और खाना भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। खाने से पहले हम आपको मिलवाना चाहेंगे जो इतनी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी जिसने बनाई है। आइए सर प्लीज़, साथ साथ आइए, अलग अलग नहीं। हस्बैंड वाइफ हैं और बिल्कुल हमें ऐसा लग रहा है जब से हम आए हैं कि हम अपने ही घर में ही आए हैं। तो होम स्टे का एक्चुअली फील यही होना चाहिए कि आपको बिल्कुल होमली फील आना चाहिए। तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम आपको फुल इंट्रोडक्शन देंगे। और देखिए जिस तरह से खुशबू आ रही है खाने की, अब बस रुका नहीं जा रहा है। कढ़ाई पनीर तो हमारा फेवरेट, इनको पता चल गया है आई थिंक वीडियोस देख देख के। साथ में रायता है, पालक है, दाल है और ये स्पेशल मूली हमारे लिए सर ने बनाई है, मूली का अचार। तो ये हम खा के बताएंगे और साथ में राइस है, सैलड है। खाना तो था ही बहुत डिलीशियस, लेकिन सबसे ज्यादा यमी है ये राइस खीर, जो खाने से पता ही नहीं चल रहा कि ये राइस खीर है। बिल्कुल रबड़ी वाला टेस्ट आ रहा है और ये मैम के हाथ की बनी हुई स्पेशल खीर है। रेसिपी हमने इनसे पूछा था, उन्होंने बोला सिंपल 4 घंटे पकाना है इसको। तो देखिए यही फायदा होता है, ये जो होमली टच मिलता है ना आपको, देखो मैम के हाथ का बना खाना हमें मिल रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बहुत डिलीशियस है ये। गुलाब जामुन भी आपने बनाया? ओके चलिए अब लंच के बाद, लंच को थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लेते हैं हम गार्डन में घूम कर। अभी जैसा कि हमने आपको बताया हम यहाँ पर पहले गेस्ट हैं तो बहुत सारी चीज़ें अभी यहाँ पर एड ऑन हो रही हैं और जैसा कि हमें सर ने और मैम ने बताया कि यहाँ पर ये जो गार्डन आपको दिख रहा है ये गार्डन चेंज होने वाला है स्विमिंग पूल एरिया में, क्योंकि यहाँ पर ये अभी आउटडोर स्विमिंग पूल बना रहे हैं जो समर्स तक कम्प्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी सब कुछ रेडी हो चुका है, इसका मैप तैयार हो चुका है, तो ये बन जाएगा टेरेस गार्डन। और यहाँ पर सोचिए ये है लीची का पेड़ और यहाँ पर स्विमिंग पूल होगा, ऊपर से लीचियाँ गिरती रहेंगी। आप बस, आपको बस आ करके स्विमिंग पूल में रहना है, सीधा आपके मुंह में। चलिए हमने आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखा दी हैं, लेकिन जो यहाँ पर मुझे बेस्ट जगह पर लगी है, ऊपर से मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। रूम्स तो सेम ही है लेकिन व्यू बहुत ज़बरदस्त है। वाह देखिए यहाँ पर मुझे पक्षियों की आवाज़ आ रही है और सामने पूरे ये बाग दिख रहे हैं हमें, आम का बाग, सारे आम के पेड़ हैं। और ये देखिए पूरा इसी तरह से सारे रूम्स के बाहर से आपको यही व्यू मिलता है। तो देखिए वाओ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पर बर्ड्स की। और इस तरह से रूम के बाहर आपको सिटिंग मिलती है तो आप बैठ कर ये इन्जॉय कीजिए। जनरली हम लोग ऐसी जगह ढूंढते हैं पीसफुल जगह वर्क फ्रॉम होम के लिए,
अगर आप लॉन्ग स्टेज के लिए यहाँ आते हैं तो आई मीन दिस इज़ अमेजिंग प्लेस. फ़ोन नेटवर्क का यहाँ पर कोई इशू नहीं है, सारे नेटवर्क्स आ रहे हैं और साथ ही वाईफाई आपको यहाँ पर मिल जाता है अच्छी स्पीड में, जो कि आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए चाहिए होता है. रूम मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर भी सेम ही रूम्स हैं. वाओ, ब्यूटीफुल रूम, बहुत ही प्रीमियम क्लास और बिल्कुल एलिगेंट इंटीरियर आपको दिखता है. साथ में इस तरह की कुछ पिक्चर्स यहाँ देखी हैं मैंने हर रूम में, बहुत डिफरेंट ये चूज़ की गई हैं. यहाँ पर देखिए अभी ये एसी के लिए इन्होंने पॉइंट्स छोड़े हुए हैं, क्योंकि अभी विंटर्स हैं और प्रॉपर्टी जैसे कि अभी शुरू ही हुई है, तो यहाँ जब समर्स में आप आएंगे तो आपको फुली एयर कंडीशन रूम मिलेगा. ये ऐसी जगहों पे रहने का ये फायदा होता है. देखिए अब हमें मैम लेके जा रही है यहाँ खेतों के बीच में से होते हुए नदी के पास, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ना हमें यहाँ पर कुछ सियारों की आवाज़ आ रही थी बहुत तेज़ तेज़, तो हमें लगा कि शायद कुछ साइटिंग हमें मिल जाए, तो चलिए चलते हैं ढूंढने. ध्यान से देखो, जूम करके सियार दिख गया हमें ये, लेकिन हमें देख के भाग गया वो. तो फाइनली हम पहुंच गए हैं नदी तक और पानी देखो बिल्कुल क्लियर. वाह, यहीं पे शायद कोई लेपर्ड आ जाए पानी पीने. रात को तो आ ही जाएगा. देखो हमें कैसे देख रहे हैं ये यहाँ से. अभी मैम ने बताया यहाँ पे ये जो चक्की की आवाज़ आ रही है, यहाँ से ही आटा जाता है होम स्टे में और यहीं से दूध भी जाता है, जिसकी अभी हम चाय पियेंगे. ज़्यादातर लोग देखिए जिम कॉर्बेट में वैसे भी सफारी के लिए आते हैं, तो वो तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन ऐसे विलेज के बीचों बीच रहकर अगर आप किसी होम स्टे में रहते हैं और वो होमली फील, इस पूरे विलेज का ये जो फील है ये आप लेना चाहते हैं, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस. और मुझे लगता है कि जब आप यहाँ पर लॉन्ग स्टेज के लिए आते हैं तो आपको सफारी करने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप डेली इस तरह से वॉक पर भी जाएंगे ना तो वाइल्ड लाइफ तो आपको अपने आप दिख जाएगी. और सबसे ज़रूरी चीज़, आप कभी भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, अभी जैसे हमने सियार को देखा, वो हमें देख के खुद से भाग गया, तो जंगली जानवर आपको कभी अटैक नहीं करता है जब तक उसे ये ना लगे कि हम उस पर अटैक कर रहे हैं. तो इट्स बेटर देखो, दूर से देखो और दूर हो जाओ, उनको उनके पास जाने की कोशिश मत करो. देखिए हमारी मुलाकात हुई है कपिल नेगी जी से और भैया से, थोड़ी मुलाकात हमारी लेट हो गई, अगर जल्दी आते तो हम आपको एक बहुत अच्छी जगह ले जाने वाले थे. हमें भैया ने बता तो दिया है गर्जिया माता का बहुत सुंदर टेंपल है यहाँ पर, और उस टेंपल के बारे में भैया बताएंगे. धन्यवाद. मेरा नाम कपिल नेगी है और मैं ग्राम समनखलिया रस्ताई निवासी हूँ, और जो हमारी जो माता है गर्जिया टेंपल नाम से, लोग यहाँ काफ़ी लोग आते हैं और काफ़ी सिद्धिपीठ मंदिर है ये. मान्यता यह है यहाँ कि जो भी यहाँ पे मन्नत मांगते हैं उसकी मनोकामना पूरी होती है, और नए नए जो जोड़े होते हैं शादी के जो भी, तो वो लोग वहाँ पे आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं. तो जो भी जिसकी भी शादी होती है वो वहाँ पे ज़रूर दर्शन करने जाते हैं, नई शादी जब होती है. जैसा कि आप जानते हैं जिम कॉर्बेट में डेस्टिनेशन वेडिंग्स बहुत होती हैं, तो जहाँ जब डेस्टिनेशन वेडिंग्स कराई जाती है उसके बाद जो जोड़े हैं वो वहाँ माता के दर्शन करने ज़रूर जाते हैं, आशीर्वाद लेने जाते हैं. भैया ने हमें थोड़ा सा लेट बताया, टाइम की कमी है, कल सुबह निकलना है, अदरवाइज़ हम आपको इसी ट्रिप में दर्शन कराते, लेकिन हम बहुत जल्दी माता के दर्शन करने ज़रूर आएंगे और आपको भी कराएंगे. बॉनफायर के साथ देखिए धीमा धीमा म्यूज़िक और साथ में इतने डिलीशियस स्नैक्स, मिक्स पकोड़ाज एंड चिली पनीर.
हम जब से आए हैं यहाँ पर हमें बस मैम पता नहीं क्या क्या खिलाई जा रही है, हमें इतना खिला दिया स्नैक्स में भी कि अभी हमें डिनर में खिचड़ी सुपर फूड आ गया है हमारा, खिचड़ी खाने के लिए हम बिल्कुल तैयार है। इतनी डिलीशियस खिचड़ी भी इतनी डिलीशियस है कि अब पता नहीं हम कितनी खा जाएंगे स्वाद स्वाद में। लेकिन खाने से पहले मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ सर और मैम का, क्योंकि इतनी प्यारी प्रॉपर्टी इन्होंने बनाई है टेस्टफुली। और जैसा कि सर ने बताया कि पहले अपना होम आप सोच के बना रहे थे यहाँ पर, उसके बाद सोचा कि चलिए कुछ और रूम्स एक्सटेंड कर देते हैं, कुछ और गेस्ट आएंगे तो अच्छा है। लेकिन आपको यहाँ पर ये जो चीज़ें देखकर आपको शायद अंदाज़ा लग रहा होगा कि एक प्रोफेशनलिज्म यहाँ पर हर चीज़ में हमें मिल रहा है, इंटीरियर से लेकर सर्विस लगा लीजिए, फूड लगा लीजिए, तो वो क्यों है वो सर खुद बताएंगे। थैंक यू एंड नमस्कार टू एवरीवन। बीइंग ए होटलियर आई वर्क्ड इन ताज फॉर ऑलमोस्ट 28 इयर्स। सर सॉरी मैं आपका नाम मैंने अभी तक नहीं बताया। मेरा नाम सुरजीत कुमार चोपड़ा। हाँ जी। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में 30 इयर्स का काम किया। हमारा ड्रीम था कि हम अपना कोई अपनी प्रॉपर्टी बनाएं। पहले करा कि हम लीज पे लेके प्रॉपर्टी करें, बनाएं, ये करें, फिर हमने ये डिसाइड किया कि अपनी प्रॉपर्टी लेके अपनी कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसको अपने हिसाब से बनाते हैं, ताकि हमें एक तो लायबिलिटी नहीं होगी हमारी कि हमें पर मंथ का रेंट देना, और अच्छे से हम लोग उसको इंटीरियर कर पाएंगे, अच्छे से जो भी गेस्ट आएंगे उनको सर्विस दे पाएंगे। एंड ऑफ द डे द एम इज give service with a smile, that's what the aim is and that's what we learnt when we were in Taj. जिन्होंने नए नए वीडियो देख रहे हैं ना, पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, नंबर वन। नंबर टू, सी what I want to do in life is in hospitality, the definition of hospitality needs to be changed now, you know what I mean, they should feel at home. और इसीलिए शायद आप चाहते हैं कि आपके पास बिल्कुल वही लोग आए जो अपने फैमिली की तरह यहाँ पर रहना चाहें, होम की तरह रहना चाहें। तो देखिए आपको यहाँ पर फूड वेज नॉन वेज दोनों तरह से सर्व होता है, लेकिन जो बेस्ट पार्ट है जो सर का एक्सपीरियंस है 30 इयर्स आई कैन से, वो एक्सपीरियंस आप यहाँ पर फील करेंगे, क्योंकि इतने बड़े ब्रांड्स के साथ काम करने के बाद वो हॉस्पिटैलिटी का जो पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पर इन्होंने फैला दिया है वो एक्चुअली मुझे तो दिख रहा है, आप जब आएंगे आप फील करेंगे। The next morning. Good morning everyone. बहुत अच्छा रहा हमारा स्टे, और अभी हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके आए हैं खेतों के बीच में से। आई स्वेयर अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करना है ना, तो ऐसी जगह पे आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि इतनी फ्रेश एयर थी वहाँ पर, मज़ा आ गया घूम कर। मैं थोड़ा सा लोकेशन भी आपको समझाना चाहती हूँ इस प्लेस की। अगर जैसे हम ऋषिकेश से आए थे, तो यहाँ काशीपुर से आगे पीरू मदारा एक चौक पड़ता है, जहाँ से आपको टर्न लेना होता है ढेला की तरफ, और ये सेवल खलिया इस जगह को बोलते हैं, जो विलेज का नाम है, ढेला के बहुत पास है। तो आप वैसे भी गूगल लोकेशन से को फॉलो करके भी आप आ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स इनकी दे देंगे, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टैरिफ हमने अभी तक नहीं बताया है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो इतनी ब्यूटीफुल जगह पर रहने के लिए आप अभी इनॉग्रल प्राइस जो इन्होंने रखे हुए हैं बहुत रीज़नेबल हैं, 4000 रुपीज़ में आपको दो लोगों के लिए इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड टैक्सेस मिलता है। उस पर भी अगर आप OT एक्सपर्ट का रेफरेंस देंगे तो 10% एडिशनल डिस्काउंट, तो लगभग 3600 के आसपास आपको ये रूम मिलता है। रूम आपको अपने हमने दिखाया है, इट्स ब्यूटीफुल रूम, खाना बहुत अमेजिंग है, सर्विस बहुत अच्छी है। तो चलिए अब हम ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। गर्मा गर्म नाश्ता हमारा हो गया है रेडी, मैंने बनवाया है पोहा और इनकी फेवरेट आलू पूरी, साथ में ये देखिए हलवा, वाओ, ये हम बाद में खाएंगे डेजर्ट में, लेकिन ये स्पेशल चटनी हमारी आ गई है, तो हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो चलिए आप भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट कीजिए, और इसी तरह से डेस्टिनेशंस अलग अलग हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह से ट्रैवल करते रहिए OT एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे हर हर गंगे।